तो चलो गाइस आज जानते हैं कि बासमती राइस कैसे बॉईल किया जाता है, बासमती राइस बॉईल करने का बिल्कुल सही तरीका क्या है, तो आप लोग को इस वीडियो में आज वही बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखना है, शुरू करते हैं। सो गाइस हम राइस के लिए पानी चढ़ा दिए हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। सो गाइस अब इसमें हम डालेंगे नींबू, हमने एक नींबू को लिया है, छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, चलो डाल देते हैं। सो गाइस आप लोग के मन में चल रहा होगा कि इसमें ऑयल और नींबू क्यों डाला, तो आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि नींबू और ऑयल डालने से हमारा राइस बिल्कुल खिला खिला बनता है, एक दूसरे से चिपकता नहीं है, इसीलिए हम डालते हैं। सो गाइस आप लोग को एक बात और ध्यान में रखना है, अगर एक किलो चावल आप बॉईल कर रहे हैं तो कम से कम 4-5 लीटर पानी डालना है, तभी हमारा चावल अच्छे से बॉईल हो पाएगा, बिल्कुल खिला खिला निकल पाएगा। चलो अब राइस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सो गाइस हम एक घंटा के पहले राइस को अच्छे से भिगो लिया था, 3-4 पानी से अच्छे से वाश कर लिया था। अब हमारा राइस बॉईल होने के लिए रेडी हो चुका है, क्योंकि अच्छे से इसको भिगाया था मैंने, अब बिल्कुल खिला खिला राइस बॉईल होगा। तो चलो पानी में उबाल आने देते हैं, तब तक वेट करते हैं। तो गाइस हमारा पानी में उबाल आ चुका है, अब चलो राइस डाल देते हैं। तो गाइस राइस डालने के बाद इसको चलाना है। सो गाइस हम राइस को तो डाल चुके हैं, अब चलो बॉईल होने का वेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा उबाल आने लगा है, तो वीडियो में आप लोग बने रहो। सो गाइस हमारा 10 मिनट हो चुका है, और फिलहाल हमारा राइस बॉईल हो चुका है, देख सकते हैं। चलो अब फिल्टर कर लेते हैं। सो गाइस हम राइस को फिल्टर कर दिए हैं, अब इसका पूरा पानी निकलने देते हैं कम से कम 2 मिनट तक, उसके बाद हम इसको फैला देंगे। हमारा राइस से सारा पानी निकल चुका है, 2 मिनट हो चुका है, अब चलो इसको फैला देते हैं। आप इसे दाल के साथ भी खा सकते हैं, इससे फ्राइड राइस भी बना सकते हैं, जीरा राइस भी बना सकते हैं, लेमन राइस भी बना सकते हैं, टमाटो राइस भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं राइस के आइटम में।